this we will start regulation of kidney and regulation of kidney by different factors. It affected by different factors. The first one factor is hormonal feedback, and the second one is juxtaglomerular apparatus, and the third one is heart. That means आपकी kidney affect हो रही है या आपकी kidney regulated है. किन से तीन factors से affect कर रहे हैं आपकी kidney को? क्या है? एक तो हार्मोन्स आएंगे आपकी किडनी को जो अफेक्ट करेंगे, ठीक है, किस तरह वो फंक्शनिंग करती है, किसकी कंट्रोल में है. सेकंड बात, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस. हमने जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस हमने स्टडी किया था, कहाँ पर ये एपरेटस बना था? आपके जब आपने बात करी थी वासा रेक्टा और हैनलुप कंटेक्ट में आ रहे थे, ठीक है, वहां कुछ सेल्स डेवलप हुई थी. अब बात आती है थर्ड की, हार्ट. हार्ट से भी कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है, वो है एट्रियल न्यूरोटिक फैक्टर्स, ANF. ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हाइपोथैलेमस से किस तरह कंट्रोल है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, या किस तरह पता चलता है आपकी बॉडी को, हाइपोथैलेमस को, कि किस तरह रिस्पॉन्स शो करना है, ठीक है. तो देखो, हमारी बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए क्या प्रेजेंट है? ऑस्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट है. जो बॉडी में जो आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है या ब्लड फ्लो है, वहां पर क्या करता है, मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है. अब किस तरह करेगा, देखो, पहले देखो ऑस्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट है ब्लड में, प्रेजेंट है कि ब्लड का वॉल्यूम क्या है. फिर वहां आती है बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका अमाउंट कितना प्रेजेंट है, वो किस वॉल्यूम में प्रेजेंट है. और थर्ड बात आती है इनकी कॉन्सेंट्रेशन की, कि यहाँ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है. अब बात आती है ये सब किस तरह होंगे. अब सपोज करो आपकी बॉडी में एक्सेस लॉस हो रहा है फूड का, बॉडी से एक्सेस लॉस हो रहा है, डायरिया की कंडीशन है, वॉमिटिंग की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है. तो अगर एक्सेस लॉस हो रहा है फूड का तो क्या होगा, एक्टिवेट होंगे रिसेप्टर्स. कौन से रिसेप्टर्स? ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे. ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए कौन एक्टिवेट होगा? ऑस्मोरिसेप्टर्स होंगे. तो ये ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, स्टिम्युलेट करते हैं हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है, पहले आप कहते थे मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, पर हमने बाद में इसको डिस्कस किया कि पिट्यूटरी ग्लैंड खुद किसी के कंट्रोल में, और वो कौन था? वो था हाइपोथैलेमस. इसीलिए यहाँ किसने कंट्रोल किया? फिर से हाइपोथैलेमस ने कंट्रोल किया. हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस को कहा आप ADH को रिलीज कराओ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है. और ADH को ही कहते हैं वैसोप्रेसिन, दोनों एक ही बात है, ADH कहो या वैसोप्रेसिन, ठीक है. कौन रिलीज करेगा? पिट्यूटरी का न्यूरोहाइपोफाइसिस रिलीज करेगा. और किस तरह? हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा इसको रिलीज करने के लिए, ठीक है. किस तरह सिग्नल दिए थे एक बार फिर देखते हैं. ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए और स्टिम्युलेट किया हाइपोथैलेमस को कि आप ADH रिलीज कराओ. तो यहाँ ADH रिलीज हुआ वैसोप्रेसिन, और उसने क्या किया, जो एक्सेस लॉस हो रहा है, दैट मीन अगर यूरिन के साथ में वाटर का ज्यादा अमाउंट बाहर जा रहा है तो यूरिन से वाटर को क्या किया जाएगा, रीअब्सॉर्ब करा जाएगा. कौन से पार्ट में? जो हैनले लूप के बाद में डिस्टल पोर्शन आ रहा है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल पार्ट से एब्जॉर्ब किया जाएगा वाटर को, ठीक है. तो ADH का काम क्या हुआ? वाटर को एब्जॉर्ब करना. क्या रोक रहा है? डायूरेसिस को रोक रहा है कि ज्यादा वाटर का अमाउंट बाहर नहीं जाए यूरिन के थ्रू. तो ये उसने किसको रोका? प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है. ADH में और इसमें आपको ऑफकोर्स जहां से एक क्वेश्चन पुट हो सकता है आपका, आपको हमेशा के लिए यहीं से याद रखते चलो, ADH या वैसोप्रेसिन का वर्क क्या है? वॉटर को एब्जॉर्ब कराना डिस्टल पार्ट, ठीक है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ADH की. अब हम यहाँ अगर ADH की बात कर रहे हैं तो ADH को देखो आप, ADH का फंक्शन क्या है? ADH क्या करता है? अफेक्ट करता है कॉन्स्ट्रिक्टरी प्रोसेस को, ठीक है. किसके? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने का भी काम करेगा यहाँ पे. किस तरह कराएगा? कॉन्स्ट्रिक्ट करने का. अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करना यानी कि कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा, दैट मीन्स अगर इतना डायमीटर है तो डायमीटर कम हो जाएगा. और डायमीटर जब कम होगा तो ऑफकोर्स क्या होगा? ये ब्लड प्रेशर गेन होगा. क्या? ब्लड का प्रेशर गेन हो रहा है. और जैसे ही ब्लड का प्रेशर गेन होता है तो ध्यान रखना
जो फिल्ट्रेट आ रहा है उस फिल्ट्रेट का अमाउंट बढ़ जाएगा, उस फिल्ट्रेट का फ्लो बढ़ेगा और फिल्ट्रेट रेट इंक्रीज हो जाएगी। ये आपने देखा था, ये वॉमन टैक्सो था, ये एफ्रेट और ये इफ्रेट, और ये यहाँ से फिल्टर आ रहा था, इस फिल्ट्रेट का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एडीएच ने क्या किया, अपना इफेक्ट शो किया। तो आपने यहाँ देखा किस तरह हार्मोन एक काम कर रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे, अगर बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, हमने वहाँ एक्सेस की बात करी, अब हम यहाँ बात करेंगे बॉडी में अगर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा तो देखना यहाँ पे क्या होगा। वहाँ वाटर को रिब्जॉर्व किया, अब बोल रहे हैं आपके बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड को बाहर निकालना पड़ेगा। एडीएच को क्या कहो, एडीएच आप अपना काम मत करो और वाटर को बाहर जाने। ठीक है, तो एडीएच को सप्रेस किया जाएगा। यहाँ एडीएच सप्रेस हो गया है, रिसेप्टर्स को सप्रेस किया गया है कि शांति रखें, क्या होने दें, वाटर को रिलीज होने दो। तो क्या होगा, एडीएच सप्रेस होगा, कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट होगा और क्या किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगा और ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेट बनेगा और क्या किया जाएगा, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि अब बात करेंगे हम जेस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस की, और ये एक रेगुलेटरी रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है, GB टेंड्स टू है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फ्लूइड रेट। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की रेट में, इसके फ्लो में या प्रेशर में जब कमी आती है, कम होने लग रहा है, फिल्ट्रेट कम आ रहा है वॉमेस कैप्सूल में, तो क्या किया जाएगा, ये एक्टिवेट करेगा। पर किसको एक्टिवेट करेगा, ये करेगा जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को एक्टिवेट करेगा, आपकी जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स आप काम करो। और वो क्या काम है, रेनिन को सिक्रीट कराने का, इसने रेनिन सिक्रीट कराया। याद रखना इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, इसलिए आप ध्यान रखो फर्स्ट यहाँ फैक्टर हम देख रहे हैं रेनिन। तो जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ने रेनिन को सिक्रीट कराया, अब रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन है, जैसे आप पेप्सिनोजन पढ़ते हो या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो, पेप्सिनोजन रिलैक्स अमाउंट में है, रिलैक्स स्टेज में प्रेजेंट होता है, इसी तरह एंजियोटेंसिनोजन अभी रिलैक्स स्टेज में है। लेकिन उसको जैसे ही पता चलता है ओ रेनिन मिलने आया है, ठीक है, तो क्या करना है, हमें एक्टिवेट होना है, अब हमें काम करना है, यहाँ ये पार्टी शुरू करते हैं। कैसे, एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिलीज किया। ठीक है, याद रहेगा, याद करने के तरीके ये, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट क्विकली चेंज होगा एंजियोटेंसिन सेकंड, नोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है और एंजियोटेंसिन फर्स्ट देन एंजियोटेंसिन सेकंड। ये सेकंड जो है एंजियोटेंसिन सेकंड, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एंजियोटेंसिन सेकंड क्या है, ये एक वैसो कॉन्स्ट्रक्टर है, ये ब्लड के जो वेसल्स हैं इनको कंस्ट्रक्ट कराने का काम करेगा। और जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो याद रखना हमेशा प्रेशर या फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ क्या हुआ, वैसो कंस्ट्रक्टर्स को आपने क्या कहा है, एंजियोटेंसिन सेकंड को वैसो कंस्ट्रक्टर कहा है। तो देखो प्रेशर बढ़ गया और फर्स्ट GFR रेट बढ़ गई। ठीक है, किस तरह बढ़ गई, क्योंकि क्या हुआ यहाँ, एनजियो ये वैसो कंस्ट्रक्टर है, जैसे ही कंस्ट्रक्शन हुआ तो फ्लो और रेट दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड जैसे ही बनता है, ये एड्रीनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एड्रीनल ग्लैंड में भी किडनी की तरह ही बाहर का रीजन कॉर्टिकल रीजन होता है और बीच का रीजन मेड्यूलर रीजन होता है। तो एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टिकल रीजन से हॉर्मोन सिक्रीट कराती है। देखो ये अगर किडनी है तो यहाँ एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है, इसका आउटर पोर्शन तो कॉर्टेक्स है और इनर पोर्शन मेड्यूला है, ये कॉर्टेक्स है। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, यहाँ आपको देखना है एल्डोस्टेरोन, क्या रहेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज हुआ एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ और एल्डोस्टेरोन जैसे ही रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन क्या काम कराता है, यहाँ रीअब्सॉर्प्शन कराएगा, किसका, वाटर का और सोडियम का, कहाँ से होगा, डिस्टल पार्ट से होगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर, क्योंकि वैसे कॉन्स्ट्रक्टर यहाँ पे है, यही रिलीज करा रहा है, तो बीपी इंक्रीज होगा और जीएफआर रेट बढ़ जाएगी। ठीक है,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की रेट बढ़ जाएगी। ये बात खत्म होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स के एल्डोस्टेरोन की। ठीक है, थर्ड और लास्ट बात हम करते हैं हार्ट की। हार्ट में क्या होता है? ठीक है, तो अभी तक की जो मैकेनिज्म पढ़ी इसको आपने नाम दिया रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके हार्ट की। आपका हार्ट क्या रोल प्ले कर रहा है, आपकी किडनी को किस तरह रेगुलेट कर रहा है? तो हार्ट में एट्रियास है, दो एट्रियास, नीचे दो वेंट्रिकल्स। ये जो एट्रियास है, एट्रियास में जैसे ही इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो, यहाँ एट्रियास को पता चल रहा है कि ब्लड फ्लो ज्यादा आ रहा है, ब्लड का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, फ्लो ज्यादा हमें मिल रहा है, तो वैसे ही क्या करते हैं ANF रिलीज करते हैं। ANF का फुल फॉर्म है, देखो, एट्रियल नेफ्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेफ्रियूरेटिक फैक्टर, ये एट्रियल नेफ्रियूरेटिक फैक्टर क्या करेगा? वेसो डायलेशन, ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देगा, क्योंकि प्रेशर फ्लो ज्यादा आ रहा है ना, क्या किया जाए, उसे थोड़ा डायमीटर बढ़ाया जाए, तो क्या करेगा, वेसल्स के डायमीटर को बढ़ा देगा। और जैसे ही डायमीटर बढ़ता है तो अपने आप प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता है। एक छोटे पाइप से पानी फ्लो करेगा और एक बड़े पाइप से पानी फ्लो करेगा, तो क्या होगा, बड़े पाइप पे कम प्रेशर फील होगा ना। बस यही से ध्यान रखना। ANF क्या करेगा, वेसो डायलेशन है, वेसो डायलेशन करता रहेगी तो बीपी को क्या करेगा, लो करेगा। ठीक है, ये जो हमने मैकेनिज्म पढ़ी है रिलेवेंट टू हार्ट, ये क्या है, ये सिर्फ चेक ऑन है। इसके लिए चेक ऑन है, ये है रेनिन एंजियोटेंसिन का। हमने रेनिन एंजियोटेंसिन पढ़ा, इसके लिए चेक ऑन के लिए सिर्फ ये रिएक्शन या ये प्रोसेस यहाँ डेवलप हुआ है। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा पूरा फंक्शन किडनी के रेगुलेशन का, किस तरह से हाइपोथैलेमस ने न्यूरोहाइपोफाइसिस को एक्टिवेट किया कि वो एरियस रिलीज करे, या आपने देखा एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस किस तरह काम कर रहा है, और यहाँ हमने देखा हार्ट का फंक्शन। एक्सेस ऑफ फ्लूइड अगर बढ़ रहा है तो एब्जॉर्प्शन कराया जाएगा, ऑफकोर्स एक्सेस ऑफ फ्लूइड लॉस है तो एब्जॉर्प्शन कराया जाएगा, और अगर फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, बॉडी में बढ़ता जा रहा है, तो क्या किया जाएगा, उसको एलिमिनेट किया जाएगा। ये किडनी का फंक्शन है जो हमने हॉर्मोन्स के थ्रू। और एक बात, आप फ्लो चार्ट बनाओ, अपने फ्लो चार्ट डेवलप करो खुद के, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा एज कम्पेयर टू जिस तरह बुक्स में दिया हुआ है कि उसको पूरा एक पैरा डेवलप किया गया है, उसकी जगह पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। आप नेक्स्ट टाइम अगर अपना एक फ्लो चार्ट बना के पढ़ोगे, आपको पढ़ना ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, जय हिंद जय भारत।